कर्नाटक में सिद्धारमैया के पहले कैबिनेट विस्तार के दौरान शनिवार को 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के साथ ही कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट में जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। कर्नाटक कैबिनेट के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ोसी राज्यों में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। इससे पहले शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। जिन नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उसमें दिनेश गुंडूराव, शरण बसप्पा दर्शनापुर, एच के पाटिल, कृष्णा बायरे गौड़ा, एन चेलुवराय स्वामी, के वेंकटेश, शिवानंद पाटिल, तिम्मापुर रामाप्पा बालप्पा, एस एम मल्लिकार्जुन, तंगदगी शिवराज संगप्पा, डॉक्टर एच सी महादेवप्पा, ईश्वर खंड्रे, क्याथा संद्रा एन राजन्ना, डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल, संतोष एस लाड, एन एस बोस राजू, सुरेश बी एस, मधुबंगा रप्पा, डॉक्टर एच सी सुधाकर, मंकल वैद्य, लक्ष्मी आर हेब्बालकर, रहीम खान, डी सुधाकर और बी नागेंद्र शामिल हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट में कांग्रेस ने जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा है। कांग्रेस ने नामधारी रेड्डी समुदाय से एक, वोक्कालिगा समुदाय से चार, अनुसूचित जाति राइट से एक, बंजिगा वीर शैव लिंगायत समुदाय से एक, अनुसूचित जनजाति से दो, ब्राह्मण समुदाय से एक, रेड्डी लिंगायत समुदाय से एक, पंचमशाली लिंगायत समुदाय से दो, अनुसूचित जाति लेफ्ट से एक, सदर लिंगायत समुदाय से एक, अनुसूचित जाति भोवी समुदाय से एक, आदि बंजिगा लिंगायत समुदाय से एक, मोगा वीरा पिछड़ा वर्ग से एक, मुस्लिम समुदाय से एक, जैन समुदाय से एक, मराठा पिछड़ा वर्ग से एक, राजू पिछड़ा वर्ग से एक, कुरुब्बा पिछड़ा वर्ग से एक, एडिगा पिछड़ा वर्ग से एक मंत्री बनाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।